सबों का आज की इस शाम की आराधना में, प्रार्थना में, और ऑनलाइन जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, हम मसीहों को एक नाम दिया गया है, और उसी सुंदर नाम के द्वारा हम पहचाने जाते हैं, और उसी नाम के द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिली है, और उसी नाम ने आप में से कई लोगों को उस नाम को लेकर प्रार्थना करने से आप में से कई लोगों को चंगाइयां मिली हैं, और बड़ी बड़ी चंगाइयां, और वो नाम है यीशु मसीह। हिंदी में हम कहते हैं यीशु मसीह, कुछ लोग कहते हैं ईसा मसीह, इंग्लिश में कहते हैं जीसस, और शायद इब्रानी में यीशुआ। तो वो सुंदर नाम, चाहे आप यीशुआ कहें, चाहे आप ईसा कहें, चाहे आप यीशु कहें, और चाहे आप जीसस कहें, बाइबल में आप जानते हैं, बाइबल में यीशु का नाम जब भी लिखा हुआ है, प्रेरित चरित में खासकर आप पढ़ेंगे, जब यीशु स्वर्गारोहित हुए, उसके बाद बाइबल में आप जहां कहीं भी प्रेरित चरित में जहां कहीं भी आप यीशु का नाम पढ़ेंगे, उनके पीछे यीशु नाजरी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यीशु नाजरी। आप जानते, पहला चमत्कार प्रेरित चरित में एक लंगड़े को चलाने का हुआ था, जो जन्म से लंगड़ा था। उस समय पेत्रुस ने क्या कहा था? यीशु मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और आप पूरे प्रेरित चरित में पढ़ते जाएंगे, और वहां पर लिखा हुआ है ईसा नाजरी। क्यों यीशु नाजरी? क्योंकि यीशु कहां से आते थे? नाजरेत से। अब जैसे कि हम केरल में रहने वालों को क्या कह देते हैं? करलाइट्स। और हम अगर कहीं रहते हैं, या हम इंडिया में रहते हैं, है ना, इंडिया वालों को क्या कहते हैं? इंडियन, है ना। वैसे ही यीशु कहां पैदा हुआ, कहां उनका पालन पोषण हुआ था? नाजरेत में। और इसलिए यीशु को लोग कैसे जानते थे? यीशु नाजरी, यानी नाजरेत में रहने वाला यीशु। और आप जानते हैं, दुष्ट आत्माएं भी यीशु को यीशु नाजरी के नाम से जानती हैं। यीशु नाजरी, यीशु, बोलो यीशु नाजरी, यीशु नाजरी, यीशु नाजरी, हाँ, जीसस ऑफ नाजरेथ, ओके, यीशु नाजरी। और प्रेरित चरित अध्याय 12, सॉरी माफ करना, प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12, बार बार आपने सुना होगा, लेकिन बेहद शक्तिशाली वचन। क्या लिखा हुआ वचन में? आकाश के नीचे, धरती के ऊपर मनुष्यों को और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो, बल्कि एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है? यीशु नाजरी। पूरा नाम लीजिए, यीशु नाजरी। तो यीशु नाजरी के द्वारा मैं बचाया गया, यीशु नाजरी के नाम ने मुझे चंगा किया, यीशु नाजरी के नाम से मुझे पापों से मुक्ति मिली। आप अपना लगाइए, तो यीशु नाजरी, प्यार से बोलो यीशु नाजरी, प्यार से बोलो यीशु नाजरी। तो यीशु नाजरी जब हम कहते हैं, एक आनंद सा आता है दिल में, है ना, आता कि नहीं? यीशु नाजरी, है ना, एक आनंद उमड़ कर आता है, अच्छा लगता है।
आप क्या कहेंगे, एक पावर अंदर जनरेट होती है। पावर, यीशु का नाम लेने से एक शक्ति आती है। आपने देखा होगा कई कई बार ऐसे करिश्माई साधनाओं में यीशु का नाम बार बार लिया जाता, बार बार लिया जाता, लोग चंगे होने लगते हैं, दुष्ट आत्माएं खेलने लगते हैं, लोग दुष्ट आत्माओं से निकल कर जाने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं। मैंने कितनी बार देखा, किसके नाम के द्वारा, किसके नाम के द्वारा, यीशु नाजरी। फिर से कहेंगे, यीशु नाजरी, यीशु नाजरी, यीशु नाजरी। तो ये नाम है यीशु नाजरी। क्या नाम है जी? फिर से कहो, यीशु नाजरी। प्यार से, यीशु नाजरी, यीशु नाजरी। तो यीशु, अब कई लोग कहते हैं ना, जैसे हमारी कई माताएं, कई अंकल लोग, पिता बड़े भोले होते हैं, प्रार्थना के लिए फोन करेंगे तो क्या कहते हैं, बेटा हमें तो प्रार्थना करनी नहीं आती, क्या कहें, हमें तो प्रार्थना करना नहीं आती है तो कहें क्या। तो उनको मेरी एक सलाह है, आप कुछ भी मत कहो, आप बैठो और बोलते रहो यीशु नासरी, यीशु नासरी। काफी है, काफी है। यीशु नासरी का नाम आप बोलो अपने घर में जोर जोर से, लेकिन भक्ति के साथ, विश्वास के साथ। आप जानते हैं इससे शक्तिशाली कुछ है नहीं। यीशु का नाम कैसा है? शक्तिशाली। बोलो कैसा है? शक्तिशाली। हाँ जी, शक्तिशाली। कुछ लोग कहते हैं ये वाली प्रार्थना कर लो जी, बड़ी शक्तिशाली है ना। मुझे भी फॉरवर्ड करते हैं कुछ लोग, है ना, शक्तिशाली प्रार्थना कर लो। और क्या कहेंगे, इतनी बार ये बोल लो तो शक्तिशाली है, ये वाली प्रार्थना कर लो तो शक्तिशाली है। एक मिनट ध्यान से सुनना मुझे, ठीक है, मुझे सुनना। कोई भी प्रार्थना शक्तिशाली नहीं है। क्या आपने सुना, क्या आपने सुना, कोई भी प्रार्थना शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। आप कहेंगे क्या बात करते हो ब्रदर जी। जी हां, कोई भी प्रार्थना शक्तिशाली नहीं है, बल्कि उसे करने वाला शक्तिशाली होता है। समझ में आया? उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो पाप में जी रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है कि शक्तिशाली प्रार्थना आपने उसे दे दी और वो कर रहा है, क्या उसकी प्रार्थना में कोई प्रभाव होगा? प्रभाव होगा। उदाहरण के लिए, मैं पाप की अवस्था में यहां पर खड़ा हूं और मैं जोर जोर से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करूं, मैं जोर जोर से गीत भी गाऊं, क्या प्रभु मेरी सुनेगा? सुनेगा क्यों? मैंने तो शक्तिशाली प्रार्थना की ना, अन्य भाषा में प्रार्थना की ना, और मैंने जो है जो शक्तिशाली प्रार्थना कहते हैं वो की, लेकिन प्रभु मेरी क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि मैं शक्तिशाली नहीं बना, मैं पाप को हराकर अभी तक शक्तिशाली नहीं बना हूं, इसलिए मेरी प्रार्थना भी शक्तिशाली नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए नो प्रेयर इज पावरफुल। कोई प्रार्थना शक्तिशाली नहीं है, बल्कि उसे करने वाला शक्तिशाली होता है। फिर आप चाहे हालेलुया ही बोलो, वो भी शक्तिशाली बन जाएगा। आपको लंबी लंबी रट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको घुटने रगड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर जो है नीचे और पैर ऊपर करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, प्रभु ने क्या कहा, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं, और तुम में अगर मेरी शिक्षा बनी रहती है, यानी मेरा वचन तुम में बना रहता है, तो तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हें सिंपल, तुम में मेरा वचन बना रहे, तुम जो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो हमें शक्तिशाली बनना है, हमें
अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित करना है और यीशु का नाम लेते जाना है, तब आप अगर हालेलुया भी बोलेंगे वो भी शक्तिशाली है, आप यीशु बोलेंगे वो भी शक्तिशाली है, आप अगर स्तोत्र पढ़ेंगे कोई वो भी शक्तिशाली है, तब आप चाहे आंखें बंद करके बैठ जाओ उसमें भी शक्ति है, लेकिन कब? जब हम में शक्ति हो, समझे? चलिए प्रार्थना करें, इस समय आराधना में जाएंगे, आंखें बंद रखें, हम अपने को तैयार करें। प्रभु जी हम पर दया कर और हम तेरे चरणों में इस समय अपने सर को झुकाए हैं। तू जीवित प्रभु है, हमें तेरे नाम के द्वारा उद्धार मिला। प्रेरित चरित्र अध्याय 4:12, कुलोसियों के पत्र और फिलिपियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि इब्रानियों के पत्र में भी लिखा हुआ है कि तेरा नाम सबसे शक्तिशाली है और तुझे सब कुछ पर अधिकार है। हम उस नाम के आदर में सर झुकाते हैं। धन्यवाद यीशु। हृदय खोल कर प्रेम से बोलो, ईसा मसीह की जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। हृदय खोल कर प्रेम से बोलो, ईसा मसीह की जय बोलो। मृत्युंजय की जय बोलो। जय जय बोलो यीशु नाम, 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 मिलकर गाएं तालियां बजाते हुए। जय जय बोलो यीशु नाम, जय प्रभु यीशु, जय जय नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो, जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय बोलो यीशु नाम, मिलकर गाएंगे। जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय।
जाओ ये सुना, जाओ ये सुना, जाओ ये सुना, जाओ ये सुना।
बाइबल में बताती है कि परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से आराधना करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से आराधना करते हैं, ऐसे सच्चे आराधकों को खोजता है। इसलिए प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस वक्त हम प्रभु की हजूरी में हैं। आप इस वक्त मेरे साथ जितने भी लोग वेदी के सामने खड़े हैं या फिर ऑनलाइन इस प्रार्थना में दूर दराज से, देश विदेश से इस वक्त भाग ले रहे हैं, प्रभु आपके घर को ब्लेस करे, आपका घर उसकी महिमा से भर जाए। प्रेम से बोलना, हृदय खोल के बोलना, आत्मा की सच्चाई से बोलना कि आइए प्रभु यीशु मेरे घर में अधिकार लीजिए, आइए प्रभु मेरे विचारों को अपने अधिकार में लीजिए, आइए प्रभु मेरे घर में रह जाइए, आइए प्रभु मेरे बिजनेस पर, मेरे बच्चों पर अधिकार लीजिए, आइए प्रभु मेरी हर एक गतिविधि पर अधिकार लीजिए, क्योंकि आपकी आंखें सब कुछ देखती हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज की रात्रि प्रभु आपको ब्लेस करेगा। जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे सब के सब उद्धार पाएंगे। जो अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है और ईश्वर ने आत्मा के सामर्थ्य से उसे मृतकों में से जिलाया है, तो आज आपका उद्धार होगा। आज आपके बंधन टूटेंगे, आर्थिक तंगियों के बंधन, पारिवारिक मन मुटावों के बंधन, व्यक्तिगत बंधन, पुराने पापों की और जीवन के निरर्थक जीवनचर्या के बंधन, उनको वो तोड़ेगा प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मन खोल के, आत्मा से, हृदय खोल कर, प्रेम से बोलना, अपने होठों को खोल कर प्रभु की स्तुति करना। हृदय खोलो, प्रेम से बोलो, यीशु मसीह जय जय बोलो यीशु नाम, जय जय
प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। वो आपके घर में और आपके परिवार में उपस्थित है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस वक्त परमेश्वर का सानिध्य आपको घेरे हुए है। उसकी आत्मा हम पर छाई हुई है। आपका घर उसकी महिमा से भरा हुआ है, क्योंकि उसका वादा है कि जहां पर दो या तीन मेरे नाम से एकत्र होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। सारी चिंताओं को भूलकर इस वक्त प्रभु की हजूरी में आप एक मन, एक प्राण, एक चित्त होकर कुछ समय के लिए समर्पित हो जाएं। यह आपके अनुग्रह का समय है, आपकी चंगाई का समय है, आपकी शांति का समय है, आपकी मुक्ति का और उद्धार का समय है, आपके बंधन टूटने का समय है, आपके बहुत सारे पुराने काम जो बिगड़े हुए हैं सही होने का समय है। इस वक्त मन की शांति प्राप्त करने का समय है, क्योंकि बाइबल कहती है मन की शांति हड्डियों को स्वास्थ्य प्रदान करती है। एक दूसरे को क्षमा करने का समय है, परमेश्वर से अपने गुनाहों के लिए तौबा करने का समय है, परमेश्वर से आशीषें बरकतें ग्रहण करने का ये समय है। The blessings are flowing like river. Blessings are flowing like river, my dear brothers and sisters. प्रभु की आशीष उस झरने के समान जो लगातार बहती रहती है, इस वक्त बह रही है और आपके घरों की ओर बह रही है। वो आपके घरों और आपके जीवन, आपके घर की आटा गूंदने की परात को प्रभु ब्लेस कर रहे हैं। इस वक्त महसूस करना प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु आपको और मुझे आज ब्लेस करना चाहता है। वो अपने बच्चों का कल्याण करना चाहता है। आप में से जितने भी लोग निराश हैं, हताश हैं, टूटे हुए हैं, मनमुटावों में हैं, घरों में लड़ाई झगड़े हैं, प्रभु आपको शांति देना चाहता है। उसने शैतान को, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने पैरों के तले कुचल दिया। वो नहीं चाहता है कि शैतान का वश आपके ऊपर चले। वो नहीं चाहता है कि वो आपको बहकाए। इसलिए वो वचन के माध्यम से लगातार हमें सावधान करता है। हम परमेश्वर की हजूरी में हैं और बाइबल हमें बताती है कि जब वो हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 54 पद संख्या 17, हर एक शस्त्र जो तेरे खिलाफ गढ़ा गया है वो कभी सफल ना होगा। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे मन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, आ जाइए, आ जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको स्पर्श करे, आपके कानों, आपके हृदयों, आपके मन और आत्मा को प्रभु खोले। एक एक बंधन आपके जीवन से इस वक्त टूटे और जल के राख हो जाए। प्रभु आपकी भलाई चाहता है, इसलिए समर्पित हो जाना, समर्पित हो जाना प्यारे भाई, प्यारी बहन, और प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा। प्रभु से कहना कि प्रभु मुझे अपने लहू में छिपा, मुझको छिपा लहू में, और अपनी आशीषों से मुझे भर, मुझे पाक साफ कर। आप में से बहुत सारे लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में आशीषित नहीं है, क्योंकि जीवन में पवित्रता नहीं है, आत्मिक जीवन में पवित्रता नहीं है, पारिवारिक रिश्तों में पवित्रता नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता नहीं है। इसलिए आज विनती करना कि प्रभु तेरा पाक लहू मुझे शुद्ध करे, मुझे माफ करे, मुझे साफ करे, मेरे परिवार को साफ करे, मेरे विचारों को साफ करे, मेरी सोच को साफ करे, मेरे रिश्तों को साफ करे, मेरे दाम्पत्य जीवन को साफ करे। ये परमेश्वर से जुड़ने का समय है। आराधना और चंगाई की प्रार्थना के ये दो घंटे समय जाया करना नहीं, परंतु परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित होकर बरकतें पाने का समय है, माफी मांगने का समय है। मुझको छिपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। Thank you.
घुटना टेक सकते हैं टेकें, आपके पास बाइबल है उसे खोल लें। स्त्रोत संख्या 37 हम दोहराएंगे, भजन संहिता 37, साम नंबर 37। प्रभु हमें धर्म और अधर्म के विषय में याद दिलाना चाहता है। प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन करें और समर्पित हो जाएं।
दुष्टों को देखकर मत झुंझलाओ, दुष्टों को देखकर मत झुंझलाओ, कुकर्मियों से ईर्ष्या मत करो, कुकर्मियों से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि वे घास की तरह जल्दी मुरझाएंगे, क्योंकि वे घास की तरह जल्दी मुरझाएंगे, और हरियाली की तरह कुमलाएंगे, और हरियाली की तरह कुमलाएंगे। प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो, प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो, तुम स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे, तुम स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा, तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो, और वह तुम्हारी रक्षा करेगा, और वह तुम्हारी रक्षा करेगा, वह तुम्हारी धार्मिकता को उषा की तरह प्रकट करेगा, वह तुम्हारी धार्मिकता को उषा की तरह प्रकट करेगा, और तुम्हारे न्याय को दोपहर के प्रकाश की तरह, और तुम्हारे न्याय को दोपहर के प्रकाश की तरह। प्रभु के सामने मौन रहकर, प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो, उसकी प्रतीक्षा करो। जो फलता फूलता है उस पर मत झुंझलाओ, जो फलता फूलता है उस पर मत झुंझलाओ, और ना उस मनुष्य पर जो षड्यंत्र रचता है, और ना उस मनुष्य पर जो षड्यंत्र रचता है। क्रोध मत करो आवेश छोड़ो, क्रोध मत करो आवेश छोड़ो, मत झुंझलाओ यह बुराई की ओर ले जाता है, मत झुंझलाओ यह बुराई की ओर ले जाता है, क्योंकि दुष्टों का विनाश होगा, क्योंकि दुष्टों का विनाश होगा, किंतु प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले देश के अधिकारी होंगे, किंतु प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले देश के अधिकारी होंगे। थोड़े ही समय बाद दुष्ट नहीं रहेगा, थोड़े ही समय बाद दुष्ट नहीं रहेगा, तुम उसके स्थान का पता करोगे, तुम उसके स्थान का पता करोगे, और वह वहाँ नहीं होगा, और वह वहाँ नहीं होगा, किंतु विनीत देश के अधिकारी होंगे, किंतु विनीत देश के अधिकारी होंगे, और पूर्ण शांति में आनंद मनाएंगे, और पूर्ण शांति में आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता, दुष्ट धर्मी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता, और उस पर दांत पीसता है, और उस पर दांत पीसता है, किंतु प्रभु उस पर हंसता है, किंतु प्रभु उस पर हंसता है, क्योंकि वह देखता है, क्योंकि वह देखता है कि उसके दिन पूरे हो रहे हैं, कि उसके दिन पूरे हो रहे हैं, दीनहीन लोगों को समाप्त करने, दीनहीन लोगों को समाप्त करने, और धर्मियों को मारने के लिए, और धर्मियों को मारने के लिए। दुष्टों ने तलवार खींची और धनुष चढ़ाया है, दुष्टों ने तलवार खींची और धनुष चढ़ाया है, किंतु उनकी तलवार उनका अपना हृदय भेदेगी, किंतु उनकी तलवार उनका अपना हृदय भेदेगी, और उनके धनुष टूट जाएंगे, और उनके धनुष टूट जाएंगे। दुष्टों की अपार संपत्ति की अपेक्षा, दुष्टों की अपार संपत्ति की अपेक्षा, धर्मी का थोड़ा सम्मान अच्छा है, धर्मी का थोड़ा सम्मान अच्छा है, क्योंकि दुष्टों की बाहें तोड़ी जाएंगी, क्योंकि दुष्टों की बाहें तोड़ी जाएंगी, किंतु प्रभु धर्मियों को संभालता है, किंतु प्रभु धर्मियों को संभालता है, प्रभु धर्मियों के जीवन की रक्षा करता है, प्रभु धर्मियों के जीवन की रक्षा करता है, उनकी विरासत सदा बनी रहेगी, उनकी विरासत सदा बनी रहेगी, उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा, उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा, अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे,
अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। दुष्टों का विनाश होगा, दुष्टों का विनाश होगा। प्रभु के बैरी चरागाह की हरियाली की तरह मिट जाएंगे, प्रभु के बैरी चरागाह की हरियाली की तरह मिट जाएंगे। वे धुएं की तरह विलीन हो जाएंगे, वे धुएं की तरह विलीन हो जाएंगे। दुष्ट उधार दे लेता है, दुष्ट उधार देता है और लौटाता नहीं, और लौटाता नहीं। धर्मी दयालु है और देता है, धर्मी दयालु है और देता है। जिनको प्रभु आशीर्वाद देता है, जिनको प्रभु आशीर्वाद देता है, वह देश के अधिकारी होंगे, वह देश के अधिकारी होंगे। जिनको वह अभिशाप देता है, जिनको वह अभिशाप देता है, उनका विनाश होगा, उनका विनाश होगा। प्रभु की कृपा से मनुष्य, प्रभु की कृपा से मनुष्य दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है, दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है। उसका आचरण प्रभु को प्रिय है, उसका आचरण प्रभु को प्रिय है। वह मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता, वह मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता। क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामता है, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूँ, मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूँ। किंतु मैंने ना तो धर्मी को निसहाय पाया, किंतु मैंने ना तो धर्मी को निसहाय पाया, और ना उसकी संतान को भीख मांगते देखा, और ना उसकी संतान को भीख मांगते देखा। धर्मी सदा दयालु होकर उधार देता है, धर्मी सदा दयालु होकर उधार देता है, और उसकी संतान को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, और उसकी संतान को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। बुराई से बचते रहो भलाई करो, बुराई से बचते रहो भलाई करो, और तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा, और तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा। क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है, क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। वह अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागता, वह अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागता। वह सदा उनकी रक्षा करता है, वह सदा उनकी रक्षा करता है। किंतु दुष्टों का वंश नहीं बना रहेगा, किंतु दुष्टों का वंश नहीं बना रहेगा। धर्मी देश के अधिकारी होंगे, धर्मी देश के अधिकारी होंगे, और वहाँ सदा के लिए बस जाएंगे, और वहाँ सदा के लिए बस जाएंगे। धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है, धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। उसकी जिह्वा न्याय की चर्चा करती है, उसकी जिह्वा न्याय की चर्चा करती है। ईश्वर की संहिता उसके हृदय में घर कर गई है, ईश्वर की संहिता उसके हृदय में घर कर गई है। उसके पैर कभी नहीं फिसलते, उसके पैर कभी नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की घात में बैठे हैं, दुष्ट धर्मी की घात में बैठे हैं, और उसे मारना चाहते हैं, और उसे मारना चाहते हैं। प्रभु उसे उनके हाथों में नहीं छोड़ता, प्रभु उसे उनके हाथों में नहीं छोड़ता, और न्यायालय में उसे दोषी नहीं बनने देता, और न्यायालय में उसे दोषी नहीं बनने देता। प्रभु की प्रतीक्षा करो, उसके मार्ग पर चलो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, उसके मार्ग पर चलो। वह तुम्हें देश का अधिकारी बनाएगा, वह तुम्हें देश का अधिकारी बनाएगा, और तुम दुष्टों का विनाश देखोगे, और तुम दुष्टों का विनाश देखोगे। मैंने दुष्ट को अत्याचार करते, मैंने दुष्ट को अत्याचार करते, और लेबानोन के देवदार की तरह बढ़ते देखा, और लेबानोन के देवदार की तरह बढ़ते देखा। जब फिर उधर गया तो वह नहीं रहा, जब फिर उधर गया तो वह नहीं रहा। मैंने उसका पता लगाया, मैंने उसका पता लगाया, और उसे नहीं पाया, और उसे नहीं पाया। सचरित्र को देखो, सचरित्र को देखो, निष्कपट पर ध्यान दो, निष्कपट पर ध्यान दो। शांति प्रिय मनुष्य को संतति होती है,
शांति प्रिय मनुष्य को संतति होती है, किंतु विद्रोहियों को उसका सर्वथा विनाश होता है, किंतु विद्रोहियों का सर्वथा विनाश होता है। दुष्टों की संतति उखाड़ दी जाती है, दुष्टों की संतति उखाड़ दी जाती है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है, प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है, और संकट के समय उनकी रक्षा करता है, और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता, प्रभु उनकी सहायता करता, और उन्हें मुक्त करता है, और उन्हें मुक्त करता है। वह उन्हें दुष्टों से छुड़ाता है, वह उन्हें दुष्टों से छुड़ाता है, और उनका उद्धार करता है, और उनका उद्धार करता है, क्योंकि वे उसकी शरण आए हैं, क्योंकि वे उनकी शरण आए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो जाओ। जो प्रभु में अपना आनंद खोजते हैं, वो उनके मनोरथ को हमेशा पूरा करता है। इसलिए अपने हाथों को खुला छोड़ें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। इस वक्त संपूर्ण शांति आपके घर में छा जाए। स्वर्ग द्वार खुला हुआ है, ईश्वर की आशीष और उसका अनुग्रह और उसकी रूह का मस्सा हम पर छाया हुआ है। आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। काम में लगा दे प्रभु यीशु, तेरी आत्मा हम पर अधिकार ले, हमारे पूरे घर पर अधिकार ले, हमारा मार्गदर्शन कर। जैसे तू चेलों के ऊपर उतरा है पवित्र आत्मा, तू आज इस संगति में उतर, हमारे घर में उतर, अपने वरदानों से हमें भर। प्रेम का वरदान, सहनशीलता का वरदान, भविष्यवाणियां करने का वरदान, ईश्वर के रहस्यों को जानने का वरदान, उसे अनुभव करने का वरदान हमें प्रदान कर। प्रज्ञा का वरदान हमें प्रदान कर। एक दूसरे को सहन करने का वरदान हमें प्रदान कर। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं
मेरा घर है, इस घर में आत्मा मेरा दिल, तेरा घर है इस घर में आत्मा। आप में से बहुत सारे लोगों को इस वक्त प्रभु छू रहा है, आप में से बहुत सारे लोग जो आंसू बहा रहे हैं, कई लोगों को पवित्र आत्मा ने अभी और इसी वक्त स्पर्श किया। आप में से बहुत सारे लोग चंगे हो रहे हैं, कोई है जो आंखों की समस्या से परेशान है, ल्यूकोडर्मा की समस्या से परेशान है, प्रभु यीशु आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। जब वो रूह लोगों के ऊपर उतरा, उन्होंने विश्वास किया और वो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे, परमेश्वर ने उन्हें स्पर्श किया, प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। इसलिए कहते जाना कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं है, सामर्थ्य से अपने तू मुझे भर, है रूह ए पवित्र आत्मा मेरे परिवार पर उतरा। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सामर्थ्य अपना दे दे मुझे, सामर्थ्य अपना दे दे मुझे, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप हमारे घर में, आप हमारे घर में, इस संगति में मौजूद हैं, मौजूद हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु ने आज वचन दिया है और कहा है कि मेरे बच्चों से कहना, ये सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, तभी ये लोग मेरे दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा मेरे दर्शन नहीं करेंगे। और इसी के साथ आज का विषय है
तमाम नौजवान बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए, रिजॉल्व एवरी कॉन्फ्लिक्ट विद योर पेरेंट्स और आप आशीषित होंगे। नौजवान नवयुवक और युवतियों और बच्चों के लिए परमेश्वर ने आज का ये वचन दिया है कि आप सबों के साथ शांति बनाए रखें और अपने माता पिता के साथ हर एक मन मुटाव को समाप्त करें और आप आशीषित होंगे। सबों के साथ शांति बनाए रखें और ये शांति की शुरुआत आपके घर से होनी चाहिए। आज बहुत सारे नौजवान अगर ईश्वर की आशीष से वंचित हैं, उनके काम नहीं बनते, उन्हें नौकरियां नहीं मिलती, उनकी शादियां नहीं होती, तो शायद कहीं ना कहीं ये बंधन उनके जीवन में है कि उन्होंने अभी तक अपने माता पिता से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उन्हें रिजॉल्व नहीं किया है। 10 हुक्मों में से एक हुक्म ये कहता है परमेश्वर का कि अपने माता पिता का आदर कर, क्योंकि जो अपने पिता का आदर करता, सम्मान करता, वो दीर्घ आयु होगा और वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है यदि वो अपने पिता का सम्मान करता और उसका आदर करता है। और जो अपनी माँ का आदर करता है वो मानो धन संचित करता है, बाइबल हमें बताती है। अब जान लीजिए कि बच्चों के जीवन में आशीष क्यों नहीं, नौजवानों के जीवन में कमियां घटियां क्यों हैं। मैंने आपसे बताया कि मां को लात मारना इंसान मां के गर्भ से सीखता है। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो बच्चा लात चलाता है और मां बहुत खुश होती है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, मां बूढ़ी हो जाती है, तो धक्का मार के उसे बाहर निकाल देता है, उसे ठोकर मारता है। ये इंसान की फितरत है और ये मां के गर्भ से वो सीख के आता है। उस समय तो मां हंसती है और बहुत ज्यादा मुस्कुराती है, आनंदित होती है, लेकिन वही माँ बुढ़ापे में, प्यारे भाइयों और बहनों, जब बच्चों की ठोकरें खाती है, उनके थप्पड़ खाती है, तो वो आंसू बहाती है, वो रोती है, और वो आंसू, प्यारे भाइयों और बहनों, उस व्यक्ति को आशीषों से वंचित करते हैं। हालांकि वो फिर भी आशीर्वाद देती है, लेकिन प्रभु कहता है तेरे आंसुओं का लेखा मेरे पास है, तेरे आंसुओं का लेखा मेरे पास है। इसलिए माय डियर यंग पीपल, माय डियर यंग बॉयज एंड गर्ल्स, माय डियर चिल्ड्रन, अपने माता पिता का आदर करो और सबके साथ शांति बनाए रखो। कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, कितनी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो जाए, कितने बड़े मनमुटाव क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी आप उन्हें क्षमा करते जाएं, अपने घर में शांति बनाए रखें, सबों के साथ शांति बनाए रखें, क्योंकि बाइबल हमें बताती, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, सबों के साथ शांति बनाए रखो और पवित्रता की साधना करो, क्योंकि इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों का पत्र, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12, अध्याय 12 पद संख्या 14, पद संख्या 14, सबों के साथ, सबों के साथ शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन, कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सावधान रहें, आप सावधान रहें, कोई ईश्वर की कृपा से, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित ना हो, वंचित ना हो, ऐसा कोई कड़वा, ऐसा कोई कड़वा और हानिकारक पौधा, और हानिकारक पौधा पनपने न पाए, पनपने न पाए, जो समस्त समुदाय को, जो समस्त समुदाय को दूषित कर दे, दूषित कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन आज हमें बताता है, हम सुक्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि प्रभु नौजवानों को शिक्षा देना चाहता है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1:8, पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर ध्यान दो, अपनी माता की सीख अस्वीकार मत करो, यह मानो तुम्हारे सिर का सुंदर मुकुट होगा, तुम्हारे कंठ को सुशोभित करने वाली माला। पुत्र
यदि पापी लोग तुमको लुभाना चाहें तो उनकी बात मत मानो। यदि वो कहें कि आओ हमारे साथ चलो, हम घात लगाकर किसी का वध करें, हम अकारण किसी निर्दोष व्यक्ति की ताक में रहें, हम अधोलोक की तरह उन्हें जीवित ही निगल लें, कब्र में उतरने वालों की तरह उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त करें, तो अगले वचन में लिखा है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वचन 18 में लिखा है ये लोग अपने ही लोगों का वध करते और अपने ही जीवन की घात में बैठते हैं, ये उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान ले लेती है। इसलिए नौजवान बेटे और बेटियों, अपने माता पिता पर हाथ मत उठाना, उनका आदर करना, उन्हें ठोकरे मत मारना, नहीं तो सदा के लिए श्रापित रहोगे, क्योंकि बाइबल ये कहती है जो अपनी माता का सम्मान नहीं करता वो श्रापित है, जो अपनी माता का सम्मान नहीं करता वो श्रापित है, प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन जो अपने पिता का आदर और सम्मान करता है उसकी आयु लंबी होगी और वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। आज दुनिया ना जाने कितने जतन करती है अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, पानी में डुबकी लगाती है, तीर्थ करती है, भंडारे करती है, लेकिन बुजुर्ग माता पिता घर से बाहर रहते हैं, एक ठंडा ग्लास पानी भी नहीं देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कुछ भी हो जाए, यदि बुढ़ापे में तुम्हारा पिता या तुम्हारी माँ बुढ़ापे में कुछ ऐसे गलत काम भी कर दें तो भी तुम उनका अनादर नहीं करोगे, क्योंकि पिता की सेवा और शुश्रूषा कभी नहीं भुलाई जाएगी। इसलिए आज के इस युग में बहुत सारे बच्चे, नवयुवक और युवतियां यदि आशीषों से वंचित हैं तो इसलिए वंचित हैं कि उन्होंने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, उनका आदर नहीं किया, इसलिए उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में उन्नति नहीं है, उनके जीवन में श्राप लगा हुआ है, उनकी संपत्ति पर भी श्राप लगा हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये बाइबल हमें बताती है। इसलिए आप लोग विशेष रूप से नौजवान बच्चे याद रखें, कहता है पुत्र मेरी बात सुनो, मेरी शिक्षा की उपेक्षा मत करो, तुम उनसे दूर रहो, उस घर की देहली पर पैर मत रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी मर्यादा खो बैठो और अपना जीवन उस निर्दयी को अर्पित करो, ऐसा ना हो कि पराए लोग तुम्हारी संपत्ति से तृप्त हो जाएं। कहता है तुम अपने गुरुओं की वाणी पर ध्यान दो, शिक्षकों की वाणी पर ध्यान दो, अपने माता पिता का आदर करो और आलसी मत बनो, बल्कि ईश्वर का वचन ग्रहण कर अपने माता पिता का सम्मान करो। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो मेरी बातों को सुनता है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 34 ऑनवर्ड्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स सूक्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 34, धन्य है वह मनुष्य जो मेरी बात सुनता, मेरे द्वार पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरी देहली पर प्रतीक्षा करता है, क्योंकि जो मुझे पा लेता है उसे जीवन और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, और जो मुझे नहीं पाता वो अपनी हानि करता है, जो मुझसे बैर रखते हैं वो मृत्यु को प्यार करते हैं। ये नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ये आज का वचन है कि धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर को और उसकी प्रज्ञा को खोजता है और उसे प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज का वचन प्रभु ने विशेष रूप से आप लोगों के लिए दिया है। कहता है सबसे शांति बनाए रखो, सबसे पहले यह शांति की शुरुआत आप अपने घर से करो। अगर आपका पिता बूढ़ा हो गया है और इस बुढ़ापे में उसका मन भटक जाता है, विचलित हो जाता है और वो अनेक प्रकार की घटनाएं करने लगता है, तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसे समर्पित करो, क्योंकि उसकी सेवा और शुश्रूषा कभी नहीं भुलाई जाएगी। कहता है कि बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को आनंद देता है, किंतु मूर्ख पुत्र अपनी माता का तिरस्कार करता है।
जो बुद्धिमान पुत्र है वो अपने पिता को आनंद प्रदान करता है, किंतु मूर्ख पुत्र अपनी माता का तिरस्कार करता है, और ऐसे लोगों को प्रभु आशीष प्रदान करता है। इसलिए प्रियजनों, प्यारे बच्चों, आज का वचन आप लोग ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में आशीष हो जाएगी, आशीष उतरेगी, उन्नति आएगी। Therefore I tell you, resolve every conflict with your parents, और आपके जीवन से वो बंधन टूटेगा, वो आशीष आएगी, वो आशीष आएगी। याद रखिए, उड़ाऊ पुत्र ने किस तरह से अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा लिया और वेश्याओं के पीछे उसने बर्बाद कर दिया, लेकिन जब होश आया तो उसने पिता से माफी मांगी और पिता ने उसे फिर से वही सम्मान प्रदान किया जो उसे बचपन से दिया था, वही सम्मान प्रदान किया। और वो अपने पिता के घर में लौट कर आया, पिता ने उसके आदर में एक भोज का प्रबंध किया, उसके उंगलियों में अंगूठी पहनाई, उसके पैरों में चप्पल पहनाई और उसके वस्त्र नए पहनाए और मित्रों को बुलाया और उनके साथ उसने आनंद मनाया और कहा, मेरा बेटा जो मर गया था वो जी गया है, जो खो गया था वो वापस मिल गया है। आज बहुत सारे घरों में, प्यारे भाइयों और बहनों, ये श्राप लगा हुआ है। अक्सर हम बहुत सारी बातों को सुनते आए हैं, सोचते आए हैं, हम अपने व्यवहारिक जीवन को ठीक करना नहीं चाहते हैं और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि हमारी आध्यात्मिकता हमारे व्यवहारिक जीवन पर निर्भर करती है। हम दोगले नहीं हो सकते कि हम प्रार्थना में कुछ और बोलें और घर में जाकर हम कुछ और बातें करें। हम दोगलापन या दोगला व्यवहार नहीं कर सकते कि हम प्रभु से दिन रात यहां पर माफी मांगे, कन्फेशंस करें और तुरंत जाकर अपनी मां को तमाचा मारें या गाली दें या उसके उसको बुरा भला कहें। ये परिवारों की और समाज की विडंबना है। दिस इज द आयरनी ऑफ द सोसाइटी कि आज प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चों ने अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं सीखा, इसलिए वो आशीषों से वंचित हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर ये बात ठीक हो गई तो आपके घर में प्रेम पनपेगा, शांति आएगी, उद्धार आएगा, क्षमा आएगी, एक दूसरे को सहन करने वाले बनेंगे। किसी घर में आप देखिए कि किस प्रकार से बेटा अपने बाप से बात करता है, अपनी माँ से बात करता है, तू तड़ाक करके बात करता है, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं है। उनके बोलने का तरीका, उनके बोलने का सलीका, बात करने का व्यवहार, और बुढ़ापे में प्यारे भाइयों और बहनों, यहां तक कि वो चलने फिरने के लायक भी नहीं रहती है, और नशेड़ी बेटा अपनी मां से थाली परोसवाता है और खाता है, जबकि वो बना नहीं सकती, जबकि वो खाना नहीं बना सकती, और उसे गालियां देता है। बहुत सारे घरों की ये समस्या है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, हम देखते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए हमें पता लगता है। आप अपने आस पड़ोस में जरा देखिए, नजर डाल के, कि क्या परिस्थिति है। क्या ये कारण नहीं है कि इंसान के जीवन में वो आशीषों से वंचित है? सच है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि 10 हुक्मों में परमेश्वर का एक हुक्म ये कहता है कि तू अपने माता पिता का आदर कर, तू अपने माता पिता का आदर कर और तू उन्नति प्राप्त करेगा। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार, मेरे जीवन में, मेरे जीवन, आशीष आ जाए, आशीष आ जाए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे पश्चाताप करने का, छताप करने का, अपने माता पिता को, अपने माता पिता को क्षमा करने का, क्षमा करने का वरदान दीजिए, वरदान दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुंदर वचन है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आराधना के बाद आप सब लोग इस वचन को खोल के पढ़ना। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 6 प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6। नौजवान बच्चे, यदि आप मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे बाद में, नवयुवक और युवतियां, तो ये वचन सुनना ध्यान से। लिखा है, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है
अगर तुम पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे, उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। और कुछ बच्चे बोलते हैं तुम्हारा हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, और बाइबल कहती है कि ईश्वर ने मां को अपनी संतान के ऊपर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है मानो वो धन का संचय करता है, मतलब वो धनी व्यक्ति है जो अपनी माँ का सम्मान करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा। सुन लीजिए ध्यान से, नौजवान युवक और युवतियां जो शादी करने वाले हैं, सुनिए ध्यान से बाइबल क्या कहती है कि अगर तू अपने माँ बाप का आदर करेगा तो तुझे भी तेरी संतान से सुख मिलेगा और वो तेरा आदर करेगी, क्योंकि सबको माँ या बाप बनना ही बनना है, सबको सास या ससुर बनना ही बनना है। इसलिए जवानी में ही बटोरना शुरू करें, नहीं तो तुम्हारा तुम्हें बुढ़ापे में कोई नहीं देगा, क्योंकि बाइबल ये कहती है। और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घ आयु होगा, जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है, और जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह अपने माता पिता का आदर करता है और उनकी सेवा वैसे ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो, बाइबल कहती है। वचन से भी और कर्म से भी अपने पिता का आदर करो, जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब बच्चे शिकायत करेंगे कि हमारे पापा तो बहुत ज्यादा खराब हैं, हमें मारते हैं पीटते हैं, हम कैसे करें। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि उसने जवानी में बचपन में यह सब सीखा है, इसीलिए वो वंश दर वंश पीढ़ी दर पीढ़ी वही श्राप लेकर आगे बढ़ता गया है और विपत्ति उसका पीछा करती रही है। आज बंधन तोड़ने का दिन है, प्रायश्चित करने का दिन है, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त होगा। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर बनाता है, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ करता है। बाइबल कहती है प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक चैप्टर 3:11 कि पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव को उखाड़ देता है। माता का अभिशाप कहता है उसकी नींव को उखाड़ देता है। अपने पिता के अपमान पर गौरव मत करो, उसका अपयश तुमको शोभा नहीं देता। पिता का सम्मान मनुष्य का गौरव है, और माता का अपयश पुत्र को शोभा नहीं देता है। पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो जब तक वह जीता रहता है, उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो, अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा और सुश्रूषा कभी भुलाई नहीं जाएगी, वो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। अगर कोई व्यक्ति प्रायश्चित करना चाहता है तो अपने पिता की सेवा करना शुरू करे। डुबकियां लगाने से पानी में पाप क्षमा नहीं होंगे, तीर्थ करने से पाप क्षमा नहीं होंगे। बाइबल ये कहती है पिता की सेवा नहीं भुलाई जाएगी, उसका सम्मान नहीं भुलाया जाएगा, वो पिता के लिए वो बेटे के लिए उसके पापों का प्रायश्चित ठहरेगा और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। लोग तुम्हारी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप धूल में पाले की तरह मिट जाएंगे। सुनो बच्चों ध्यान से, आप लोग आज का वचन प्रभु ने आपके लिए दिया है। कहता है जो अपने पिता का त्याग करता है वो ईश निंदक के बराबर है। जो अपने पिता का त्याग करता है वो ईश निंदक के बराबर है, और जो अपनी माता को दुख देता है वो ईश्वर के द्वारा अभिशप्त है। जो अपनी माँ को दुख देता है, मारता है, धक्के देकर बाहर निकाल देता है, रोटी नहीं देता, पानी नहीं देता और उनका अपमान करता है, वो ईश्वर के द्वारा अभिशप्त है, श्रापित है वो व्यक्ति। ये प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र शास्त्र का वचन है।
ये पवित्र शास्त्र आपसे बातें कर रहा है, इसलिए अपने व्यवहारिक जीवन को सुधारना। कितना भी क्रोध आए परंतु अपनी जुबान पर लगाम देना, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है तेरी हर निकम्मी बात का हिसाब तुझे देना पड़ेगा। ए नौजवान, ए नवयुवक, अपने आंखों की अभिलाषा तो पूरी कर ले, चिंता मत कर, नो प्रॉब्लम, यू आर फ्री, गो एंड एंजॉय, जो करना चाहता है कर, लेकिन ईश्वर तुझसे तेरे आचरण का लेखा मांगेगा, तेरी हर निकम्मी बात का जवाब तुझे देना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य की उमंग में अपने पिता का अनादर मत कर, अपने पिता का अनादर मत कर। अगर किया है तो आज क्षमा मांगने का दिन है, उड़ाऊ पुत्र के जैसे कहने का दिन है कि प्रभु हे पिताजी मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। जो आशीष चाहते हैं और चाहते हैं कि बंधन टूटे, आई गारंटी यू, यू विल रिसीव द अनॉइंटिंग, आपकी नौकरी का बंधन टूटेगा। जो लोग कहते हैं कि हमारे आखिरी मोमेंट में हम सफल नहीं हो पाते, हम फेल हो जाते हैं, आप अपने जीवन में विचार करके देखें कि क्या वास्तव में आपने अपने पिता की शिक्षा को ग्रहण किया है या नहीं किया है, क्या आपने अपने पिता का मान सम्मान किया है या नहीं किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्रता केवल आराधना में नहीं, पवित्रता केवल उपवास में नहीं, पवित्रता केवल तीर्थों में नहीं, पवित्रता केवल धार्मिक कामों में नहीं, पवित्रता रिश्तों में आना अनिवार्य है, पवित्रता परिवार में आना अनिवार्य है, पवित्रता माता पिता के और बच्चों और माता पिता के रिश्तों में आना अनिवार्य है। पवित्रता प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक विचारों में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, तब तक कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। और जानते हैं, अगर हम इस शिक्षा को ग्रहण नहीं करते तो हम लोग प्रभु के उस पवित्र लहू को पैरों तले रौंदते हैं। इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं कि प्यारे भाइयों और बहनों, अगर कोई व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करता, उन्हें नहीं मानता, तो वी ट्रैम्पल द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हु सेव्ड अस, हम उस प्रभु के पवित्र लहू को पैरों के तले रौंदते हैं अगर हम उसकी शिक्षा को ग्रहण नहीं करते, और यदि हम उसकी शिक्षा को तुच्छ समझते हैं और उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करते। इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 29, तो आप लोग विचार करें कि जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता, विधान का वह रक्त तुच्छ समझता है जिसके द्वारा वह पवित्र किया गया था, और कृपा के आत्मा का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति को कहीं और घोर दंड के योग्य समझा जाएगा। जो व्यक्ति ईश्वर की शिक्षा को अस्वीकार करता, यीशु के लहू को अस्वीकार करता, यीशु को अस्वीकार करता, उसकी शिक्षा को अस्वीकार करता है, वो दंड के योग्य समझा जाएगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, घर में यदि चार भाई हैं तो आपका एक साथ रहना प्रभु को प्रिय है, इसलिए बाइबल कहती है कि जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है, और आप जानते हैं कि हत्यारे में जीवन नहीं है, उसे कभी आशीष नहीं मिल सकती। यौहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15, इसलिए अपने भाई से समझौता करना, यदि वो अपने स्वास्थ्य संपत्ति और पैसे के घमंड में अगर वो चूर है तो उसके लिए प्रार्थना करना ताकि वो बंधन टूटे। पत्नियों से आज प्रभु का आदेश है कि वो घर में प्यारे भाइयों और बहनों रंजिशें उत्पन्न ना करें, भाइयों भाइयों को आपस में ना लड़ाएं, घर में प्यारे भाइयों और बहनों एक दूसरे को सहन करें, पति पत्नी में शांति बनी रहे, पति पत्नी में प्यारे भाइयों और बहनों प्रेम उमड़ता रहे, और आप सब के सब भाई एक साथ रह पाएं, क्योंकि जो भाई एक साथ नहीं रहते घर उजड़ जाते हैं, घर उजड़ जाते हैं। बाइबल हमें बताती है याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15 और 16 कि जब हम एक दूसरे के सामने एक दूसरे को क्षमा करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो प्रभु की आशीष आपके और हमारे घरों पर उतरती है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। देयरफॉर वंस अगेन आई रिपीट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट जीसस, इफ यू वांट टू रिसीव द अनॉइंटिंग, if you want to receive every blessing
then you need to resolve the conflicts with your parents. अगर आप चाहते हैं कि आप अनुग्रहित हों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी पैसे पर उन्नति आए, यदि आप चाहते हैं कि आपका घर बने, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उन्नति करें, तो आपको अपने बुजुर्ग माता पिता से समझौते करने होंगे, उन्हें माफ करना होगा, उनसे माफी मांगनी होगी, और माता पिता को अपने बच्चों को क्षमा करना होगा, और आप देखेंगे कि आपके परिवार में शांति आएगी और वचन आपके जीवन में पूरा होगा. क्योंकि प्रभु ये कहता है यर्मिया नबी का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 40 में कि मैं तुम्हारा भला करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा बशर्ते कि तुम एक दूसरे की भलाई खोजो. कहता है मैं तेरा अच्छा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं तेरी भलाई करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा, परंतु तू एक दूसरे की भलाई करने की खोज में लगा रहे. अपने भाई की अपने बहन की भलाई सोचें, उन्हें क्षमा कर दें, उनके लिए प्रार्थना करें, आपका कल्याण होता जाएगा. प्यारे भाई और बहनों, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी धार्मिकता ऊंची होती जाएगी और आप अपने जीवन में सुकून प्राप्त करेंगे. इसलिए मैंने आपके लिए वचन पढ़ा था आज के भजन संहिता 37 से कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति आपके सामने आ जाता है या आपके जीवन में प्रवेश करता तो मत झुंझलाओ, अगर कोई ईर्ष्या करता तो मत झुंझलाओ, क्योंकि प्रभु सब कुछ देखता है. अगर वो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता तो मत झुंझलाओ. डोंट से एनीथिंग, रादर गो एंड प्रे. आप ऊंचे होते जाएंगे लेकिन घमंडी नीचे गिरता जाएगा, ये प्रभु का वचन है. दीनहीन को प्रभु ने ऊपर उठाया, घमंडियों को तितर बितर कर दिया. कहता है पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ इंतजार करो उसकी अनॉइंटिंग का और उसकी आशीष का, और वो आपको आशीष प्रदान करेगा. और ये आशीष आपको कहां से मिलती है? हाउ डू यू रिसीव दिस अनॉइंटिंग? ये अनुग्रह आपको कैसे मिलता है जानते हैं? बाइबल में बताती है योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16 कि प्रभु यीशु की परिपूर्णता से हमें अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स. ये चंगाई, ये अनुग्रह, ये आशीष, ये अनॉइंटिंग, ये उन्नति, ये सफलता, ये उद्धार यीशु मसीह के परिपूर्णता के कारण आपको मिलता है. ये हमारे किसी पुण्य का फल नहीं है परंतु ईश्वर की दया का परिणाम है कि आपको यह अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु की परिपूर्णता के कारण मिला और मिल रहा है और हमेशा हमेशा के लिए मिलता रहेगा. क्योंकि प्रभु ये कहता है यर्मिया नबी का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 41 में कि तेरी भलाई करने में मुझे आनंद आता है, तेरी भलाई करने में कहता मुझे आनंद आता है, बशर्ते कि जैसा मैंने कहा है तू वैसा कर, जैसा मैंने तेरे साथ किया है वैसा तू कर. इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम ऐसा करते हैं तो भजनकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है अध्याय 23 पद संख्या 6 साम नंबर 23 वर्स 6 कि निश्चय ही उसकी करुणा और भलाई क्या क्या होगा हमारे पीछे आएगी, आपके परिवार में बनी रहेगी. यह निश्चित है कि यदि आप उसके साथ ईमानदार रहेंगे तो उसकी करुणा और भलाई आपके परिवार में आपके पीछे रहेगी, धर्मी व्यक्ति के पीछे रहेगी. इसलिए बहुत सारे बच्चे आज इस बात से वंचित हैं क्योंकि वो अपने माता पिता से नाराज हैं. हो सकता है पैसे के कारण, हो सकता है उनकी अभिलाषाओं को पूरा ना किया गया हो, हो सकता है आपने गालियां दी हैं, हो सकता है आपने मार पिटाई की है, कुछ ना कुछ परिणाम हो सकते हैं, हो सकता है शैतान ने आपको बहकाया है. तो आप लोग ध्यान रखें, आप लोग ध्यान रखें इस बात का. प्यारे भाइयों और बहनों, पश्चाताप करें, पश्चाताप करें, क्योंकि बाइबल में बताती है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 20 में कि ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है. बोलो आमेन. हालेलुया. प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 20 ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है. हालेलुया. ये मनमुटाव, ये झगड़े,
ये अशांति जानते हैं घरों में क्यों है? शैतान आपके घर में, आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में ये जंगली बीज बोता है। और जंगली बीज जानते क्या है? सबसे पहले वो शुरुआत करता है शक से। सबसे पहले वो आपके घरों में शक उत्पन्न करता है। और जहां शक पैदा हुआ नहीं वहां पर विश्वास गायब हो जाता है, भरोसा टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है। और यहां से प्यारे भाइयों और बहनों मायूसी छाने लगती है। जब विश्वास चला जाता है तो मायूसी छाने लगती है। सबसे सबसे पहला काम वो ये करता है कि परिवारों में शक पैदा करता है। डाउट, डाउट इज द फर्स्ट सीड विच ही सोस व्हेन ही वांट टू स्पॉइल द रिलेशंस ऑफ पीपल। एंड बिकॉज ऑफ डाउट देयर इज अ डिल्यूजनमेंट। जहां पर शक उत्पन्न होना शुरू हो जाता है वहां पर उसके बाद मायूसी छाने लगती है, मोह भंग हो जाता है। अगर आप किसी के ऊपर शक करने लग जाएंगे तो आपका उस व्यक्ति के प्रति मोह भंग हो जाएगा। आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, आप उससे नाता तोड़ने की कोशिश करेंगे। और जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो आप निरुत्साह हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे। आपके अंदर कोई उत्साह नहीं रहेगा उस व्यक्ति के प्रति कि मैं इसकी सेवा करूं या ना करूं, इसकी रक्षा करूं या ना करूं, इसकी सेवा करूं या ना करूं। और जैसे ही डिस्करेजमेंट आता है तो उसके बाद डिप्रेशन फॉलो करने लगता है, निराशा आने लगती है। देखिए शुरुआत कहां से हुई, शक पैदा हुआ, मायूसी भंग हो, मायूसी छा गई, मोह भंग हो गया। उसके बाद हमारा उत्साह खत्म हो गया, उस व्यक्ति के प्रति नीरसता आने लग गई, जिसके साथ हम रोज मिलते थे अब उससे हम दूर होने लग गए। और इतना करने के बाद जब हमारा मोह भंग होने लगता तो निराशा जीवन में छाने लगती है। अनेक लोगों के जीवन में ऐसा ही है, बच्चे जब माता पिता से दूर होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं, इधर उधर फंस जाते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं। और उसके बाद पांचवी बात फॉलो करती है, डिफीट, पराजय। इंसान अपने आप को हारा हुआ समझता है, वो सोचता है कि मैं हार गया हूं, सब कुछ समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं बचा। अब वो हत्या करने की कोशिश करता है, आत्महत्या करने जैसे विचार उसके जीवन में आते हैं। ये नौजवानों की कहानी। और थोड़ी सी बात में प्यारे भाइयों और बहनों गलत कदम उठा लेते हैं। और छठवीं बात उनके जीवन में आती है, डिस्पेयर, दे लिव इन डिस्पेयर। जहां पर कुछ भी दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि बस अंधकार ही अंधकार है। और वो पीरियड प्यारे भाइयों और बहनों बड़ा दुखदाई होता है। और उस दुखदाई पीरियड के बाद जो सातवीं बात फॉलो करती है, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। देयरफॉर अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ सैटन माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नौजवानों आप लोग प्रभु के वचन को सुन के शैतान की युक्तियों को समझने और उसकी दुष्ट आत्माओं को परख करना सीखिए आप लोग, कि शैतान किस तरह से परिवारों में क्या करता है, रिश्तों में खटास पैदा करता है, मनमुटाव पैदा करता है। सबसे पहले डाउट, उसके बाद डिल्यूजनमेंट, उसके बाद डिस्करेजमेंट, उसके बाद डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन फॉलोस डिफीट, एंड डिफीट फॉलोस डिस्पेयर, एंड द डिस्पेयर फॉलोस डेथ। एक छोटी सी चीज से परिवार में यह शुरू होता है और यह मृत्यु तक पहुंच जाता है। इसलिए प्रभु ने शिमोन से कहा, शिमोन शिमोन सावधान, शैतान को तुझे गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, तू मेरी बातों को सुन, उन पर ध्यान दे। इसलिए प्यारे बच्चों, माता पिता, प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें, एक दूसरे को क्षमा करने का प्रभु हमें वरदान दे। और बच्चे माता पिता के आशीर्वाद से ही प्रभु का अनुग्रह रिसीव करते हैं। एक दूसरे को क्षमा करें, अपने मम्मी पापा से सॉरी कहें, अपने भाई बहनों से सॉरी कहें। मनमुटाव हो गया कोई बात नहीं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है ये बहुत कठिन हो कि हम एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप विनम्र बन के एक दूसरे को क्षमा करें। आज का वचन
आपके जीवन में 100 गुना फल लाए और परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे, इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दिलों जा से पुकारूं तुझे, आग रू की लगा दे मुझे। दिलों जा से पुकारूं तुझे, आग रू की लगा दे मुझे। सच है प्यारे भाई प्यारी बहन, अगर क्षमा करना चाहते हैं तो रू की आग लगने दीजिए, वो आपको शुद्ध करेगी, पवित्र करेगी। द ब्लड ऑफ जीसस विल क्लीन यू, इट विल वॉश यू। समर्पित करते जाएं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से कहें कि मैं दिलो जान से पुकारता हूं, मेरे दिल में, मेरे मन में, आत्मा में अपनी रूह की आग लगा दे, जिससे कि मैं अपने जीवन में आज की रात्रि अनुग्रहित हो जाऊं, सारा बंधन टूटे। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से, उसके पवित्र सामर्थ्य लहू से, उसके पवित्र पाक पवित्र वचन से हर प्रकार का बंधन टूटे। यीशु छू, 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 खड़े हो जाइए सभी। यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू।
बंधन टूटे, घृणा के बंधन टूटे, लड़ाई झगड़े मन मुटावों के बंधन टूटे। यीशु की आत्मा पर अधिकार ले और आपको चंगाई और शांति प्रदान करे। सबों के साथ शांति बनाए रखे, दुष्ट आत्माओं के बंधन टूटे। यीशु के पवित्र लहू से मसा हो जाओ, मसा हो जाओ, मसा हो जाओ, मसा हो जाओ। यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। यीशु का पवित्र सामर्थ्य लहू आपके सिर से लेकर पांव तक विलेपन करता हूं, समर्पित करता हूं। आप में से एक एक बच्चे को, एक एक नवयुवक युवती को, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य की उमंग में हे प्रभु अपने माता पिता का अनादर किया, ड्रग्स और नशे के कारण अपने माता पिता का मार पिटाई करी, उन्हें धक्के मारे, घर से बाहर निकाला, उनकी निंदा की और उन्हें चुप रहने के लिए बोला, प्रभु यीशु क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तेरे दास इस वक्त इन हाथों को उठाते हुए प्रायश्चित करता हूँ, अपने पवित्र लहू से इन्हें ब्लेस कर। तेरा लहू प्रभु यीशु हमारी नसों में बहने दे, उस लहू के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए, उस लहू के द्वारा हमारे इस परिवार में शांति आ जाए। हमें धो दीजिए प्रभु, हमें शुद्ध कर दीजिए प्रभु यीशु। तेरे पवित्र लहू से, तेरे पवित्र लहू से हमारे जीवन में उद्धार आए, शांति आए, शिफा आए और चंगाई आ जाए। यीशु छो, 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 मेरे जीवन को 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 छो, बच्चों को छो, यीशु छो, मेरे बच्चों को छो, यीशु छो, मेरे बच्चों को छो, यीशु छो, मेरे घर को छो, यीशु छो, मेरे घर को छो, यीशु छो, मेरे तन मन को छो, यीशु छो, मेरे तन मन को छो, यीशु 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 छो। प्रभु ने बहुत सारे लोगों को प्रायश्चित का वरदान दिया है, बहुत सारे लोग आंसू बहाकर प्रायश्चित कर रहे हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज का दिन अनुग्रह का दिन है, आपकी आशीषों का दिन है, आपके बंधन टूटने का दिन है। आज की रात्रि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी अगुवाई करें, आपकी फाइलें जो इधर उधर दफ्तरों में हैं, जो अटकी हुई हैं, आपको उन्नति नहीं मिलती, आपके लिए अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता है, समर्पित हो जाएं, तौबा करते जाएं, प्रायश्चित करते जाएं, प्रभु से माफ़ी मांगें। हाँ, प्रभु आपके मन्नतों को पूरा करें और आपको अनुग्रह प्रदान करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरा पवित्र लहू इनके ऊपर छिड़कता हूँ, जो बीमार है, असहाय है, हे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र लहू से ने शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे।
ये तेरी संतान तेरी वेदी के सामने इस वक्त प्रार्थना कर रही घुटना टेकते हुए, इनके ऊपर तेरी रूह का मसा उतरे, रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, स्वर्ग द्वार खुल जाए। हे प्रभु यीशु, इनके घरों परिवारों पर तेरी शांति आ जाए, एक दूसरे को सहन करने क्षमा करने की इन्हें कृपा प्रदान कर। मैं तेरा दास मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता प्रायश्चित करता हूँ, जैसे तेरे दासों ने अपने हाथों को उठाया और अपने रेवड़ के लिए प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु तेरे इन बच्चों को भी हर प्रकार के बंधनों से आजाद करने की कृपा कर। दया कीजिए अब्बा पिता, प्रार्थना को कबूल कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि लोग तेरे पास आते हैं क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। सच है प्रभु, आज ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। नौजवान बच्चों को, नवयुवक युवतियों को अपने माता पिता को क्षमा करने और उनसे क्षमा याचना करने का वरदान दे। तेरा पवित्र लहू जो हमें शिफा प्रदान करता है हर एक अंधकार की शक्ति से, पुराने जीवन की निरर्थक जीवनचर्या और पापों से बचा के रखे, हमारे परिवारों पर, खेत खलियानों, बिजनेस पर और हमारे दफ्तरों पर, संस्थाओं पर, कलीसियाओं पर तेरी आशीष सदा बनी रहे। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें सभी आशीषों के लिए। जोरदार बंदगी, यीशु है
सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, ये वचन आपके परिवार में, जीवन में 100 गुना फल लाए और उद्धार का कारण बने। जितने लोग आज पहली बार इस वचन को सुन रहे थे, प्रेज एंड वर्शिप में भाग ले रहे थे, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हम सब के लिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, जिससे कि वे लोग भी प्रभु के वचन से लाभान्वित हों और उन्हें आशीष मिले। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू।